पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। छपरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी को लेकर आज सुबह से एक चर्चा खूब चली कि उनका नामांकन जो है वो रद्द हो जाएगा। रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूड़ी के द्वारा जो हलफनामा चुनाव आयोग को दिया गया है वो हलफनामा काफ़ी गलत है। सिग्नेचर को लेकर के कई तरह के सवाल रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूड़ी पर खूब उठाए गए थे। इस बीच जब आज पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने सवाल किया, साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि तेजस्वी यादव के द्वारा जो प्रधानमंत्री पर बार बार हमले किए जा रहे हैं उस पर जब सवाल किया गया है तो सुनिए राजीव प्रताप रूड़ी इन तमाम विषयों पर अपनी क्या राय रख रहे हैं। देखिए, आजकल एक बड़ा संकट है और संकट है कि भाषण में दे तो क्या दे, और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी जहाँ 42-43 हो तो नेताओं को तो वैसे भी अपने ज़ुबान पर लड़खड़ा ही जा रहा है, और वैसा ही सिचुएशन हम छपला में भी देख रहे हैं वहाँ के कैंडिडेट में। हमें आजकल एक बड़ा संकट है कि आजकल नेता क्या वक्तव्य दे रहे हैं इसका कोई आगे पीछे, अब देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, फौज के अध्यक्ष हिंदू हैं, इसका क्या संदर्भ है? और हमने तो कभी नहीं देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी हिंदुओं का डर दिखाया हो और हिंदुओं को डराया हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका बयान ही सामान्य रूप से अप्रासंगिक है। भाई देखिए, अब अगर तेजस्वी जी एम्स की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के उस कार्यकाल को याद करना चाहिए था, और जब तेजस्वी जी इस राज्य के विपक्ष के नेता हैं, रहे हैं और सरकार में भी रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उनके पिताजी को इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाना पड़ा? और अगर उनको पटना के एम्स का, हमें याद है कि सुषमा स्वराज जी ने जब पटना में एम्स की शुरुआत करने की बात कही थी तो आज 80% बिहार के मरीजों के लिए एम्स खुल गया है, लेकिन उनका बहुत स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है, और हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री पर करना मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। रोहिणी आचार्य के नामांकन में लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, राबड़ी देवी पहुंचे, तेज प्रताप यादव, तमाम लालू परिवार पहुंचे। कितना देखिए, किसी के भी नामांकन में कोई भी पहुंच सकता है, उसमें कोई संकट नहीं है, लेकिन अभी पत्रकारों ने एक बड़ा कड़ा सवाल किया वहाँ पर, और कड़ा सवाल ये था कि आप परिवारवाद से आगे बढ़कर के वंशवाद कर रहे हैं, और किसी और पत्रकार ने कहा कि अगर किसी को, अगर आपने आपके स्वास्थ्य का आपकी बेटी ने ध्यान दिया है तो ऐसा क्या है कि उसके लिए आप उनको कैंडिडेट बना देंगे? ये सवाल भी कई पत्रकारों ने किया था, और ये भी कहा था कि आपको धन संपत्ति दे देना चाहिए या राज्यसभा भेज देना चाहिए, तो आखिर कैंडिडेट बनाने का। और वो ही नहीं, पाटलिपुत्रा में भी बेटी को अपना कैंडिडेट बनाते हैं, छपड़ा में भी कैंडिडेट बनाते हैं, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट का बड़ा अभाव हो गया है क्या? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।